द फर्स्ट इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन अप्रैल 20 डेट ईयर. जो पहली घटना है वो इंसिडेंट में से होता घटना. टेक प्लेस की सेकंड फॉर्म होती है टुक प्लेस, घटी है ऑन अप्रैल 20 अप्रैल को डेट ईयर उस साल. ठीक है. ही वायलेटेड माय डॉटर. वायलेट का मतलब होता है रेप करना. ठीक है. तो उसने मेरे लड़की का रेप किया, जैसा है ये जो फादर हैं वो शायद बोल रहे हैं या मदर बोल रही हैं. एंड ऑल्सो कैप्चर द एक्ट. और उसने जो एक्ट जो कृत्य है जो उसने एक्शन जो किया था उसको कैप्चर भी कर लिया, उसको कैद कर लिया ऑन हिज मोबाइल, अपने मोबाइल फ़ोन में. ठीक है. लेटर बाद में, लेटर में सोता बाद में. ही थ्रेटेंड माय डॉटर. मेरी लड़की को डराया धमकाया. थ्रेटेंड में सोता डराना धमकाना. ठीक है. सेइंग कहते हुए. ही विल अपलोड द वीडियो ऑन सोशल मीडिया. वो सोशल मीडिया पे वीडियो को अपलोड कर देगा. ठीक है. एंड रेप्ड हर सेवरल अदर टाइम्स. और कई बार उसका रेप किया, बलात्कार किया उसने. ठीक है. एंड द कंप्लेनेंट सेड. जो कंप्लेनेंट है, जो फरियादी शिकायत करता है, उसने ऐसा कहा. एंड FIR वॉज रजिस्टर्ड. एक FIR दायर की गई. पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव है. ठीक है. अंडर सेक्शन किस धाराओं के तहत. 457 हाउस ट्रेसपास, घर में जबरदस्ती घुसने की. ठीक है. 376 रेप. 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, मतलब डराना धमकाना. ठीक है. ऑफ IPC सेक्शन. IPC सेक्शन के तहत ये इन धाराओं में उनको FIR दर्ज कर ली गई. एंड POSCO एक्ट. और POSCO एक्ट में भी द पुलिस अरेस्टेड द कल्प्रिट. कल्प्रिट में होता अपराधी. ठीक है. पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार कर लिया ऑन अगस्त 31 31 अगस्त को. एंड सबमिटेड अ चार्ज शीट. और उन्होंने चार्ज शीट को सबमिट कर दिया. सबमिट में होता जमा करना. ऑन सितंबर 11 11 सितंबर को द सेम ईयर, उसी साल. ठीक. द प्रोसिक्यूशन प्रोड्यूस्ड. प्रोसिक्यूशन में होता अभियोग पक्ष. ठीक है. प्रोड्यूस में होता पेश करना. पेश किया उसने एज मैनी एज में होता लगभग 6 विटनेसेस, 6 गवाहों को इंक्लूडिंग द माइनर, वो नाबालिग को मिलाकर. ठीक है. हर मदर, उसकी माँ, डॉक्टर हु हैड एग्जामिन्ड द गर्ल, जिसने लड़की की जांच की थी. एग्जामिन में से था जांच करना. ठीक है. डॉक्टर जिसने लड़की की जांच की थी और लड़की की माँ. द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल. स्कूल की जो प्रिंसिपल है, प्रधानाचार्य. वेयर शी वॉज स्टडिंग, जहाँ पे वो पढ़ रही थी. एंड टू पुलिस ऑफिशियल्स, और दो पुलिस के अधिकारी, उनको पेश किया गया. हाउएवर में से था हालांकि. इन अ ट्विस्ट टर्न ऑफ इवेंट्स. तो इस घटना में एक मोड़ आया. ठीक है. ट्विस्ट टर्न ऑफ द इवेंट्स, इसका मतलब था घटना में एक मोड़ आया. द गर्ल एंड इवन हर मदर, लड़की और उसकी माँ भी टर्न हॉस्टाइल. टर्न हॉस्टाइल मीन्स होता अपनी बातों से पलट जाना. स्पेशली ये कोर्ट में यूज़ किए जाते हैं ये वर्ड्स. ठीक. टर्न हॉस्टाइल मीन्स अपनी बातों से पलट गए. एंड रिफ्यूटेड. रिफ्यूट मीन्स होता खंडन करना, मतलब कि किसी बात को नकारना. रिफ्यूटेड द एलिगेशंस इन द कोर्ट. और कोर्ट में जो न्यायालय में अपने जो आरोप थे उसको खंडन कर दिया, नकार दिया, मना कर दिया. डिस्पाइट किसके बावजूद. डिस्पाइट रिकॉर्डिंग अ स्टेटमेंट बिफोर द मजिस्ट्रेट. मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करने के बावजूद भी अपने बयान को उसने, उन लोगों ने मना, मतलब अपनी बात से मुकर गए. डेट की शी वॉज रेप्ड, कि उसका रेप हुआ है. एंड सेवरल टाइम्स, कई बार. एंड द एक्यूज फैमिली. जो एक्यूज की जो फैमिली है, आरोपी की जो फैमिली है, जो आरोपी की फैमिली है, वो माउंटिंग प्रेशर. माउंट प्रेशर में से होता दबाव बनाना. दबाव बना रही थी ऑन देम, उन पर. टू विदड्रॉ द केस, केस वापस लेने के लिए, मामला वापस लेने के लिए. ठीक है. द टीनेजर टोल्ड द कोर्ट. जो टीनेजर हैं, ठीक है, जो 18 साल से नीचे गए तो उनके लिए बोलते हैं. उन्होंने कोर्ट को बताया डैट की द एक्यूज वॉज फॉल्सली इम्प्लीकेटेड. जो एक्यूज है आरोपियों से धोखे से, फॉल्सली मिस होता है गलती से, धोखे से इम्प्लीकेटेड फंसाया गया. इम्प्लीकेट मिस होता है फंसाना, फ्रेम करना. ठीक है. इन अ रेप केस. रेप केस में, रेप के मामले में, मतलब कि जो लड़की है वो ही अब बोल रही है कि जो आरोपियों से गलत तरीके से उसे फंसाया गया इस केस में, रेप के केस में. बाई देयर नेबर्स, उनके पड़ोसियों द्वारा. ठीक है. ड्यू टू पर्सनल एनिमोसिटी, अपनी एक पर्सनल रंजिश के कारण. एनिमोसिटी में होता है दुश्मनी के कारण. ठीक है. अपनी एक पर्सनल दुश्मनी के कारण उन लोगों ने फंसाया है. टू विटनेसेस, दो गवाह. वर प्रोड्यूस, पेश किए गए. प्रोड्यूस में से पेश करना. बाय द
डिफेंस द्वारा। एंड इंटरेस्टिंगली मीन्स होता है मजे की बात यह है, वन ऑफ डैम वॉज गर्ल्स फादर, उनमें से एक कौन था, लड़की का पिता ही था। वाइल जबकि अदर वॉज अ वुमेन, दूसरी जो थी औरत थी, फ्रॉम द नेबरहुड पड़ोस से। बोथ ऑफ दैम, उनमें दोनों ने सैड कहा डैट कि नो सच इंसिडेंट, ऐसी कोई भी घटना हैड टेकन प्लेस हुई है, ऐसी कोई भी घटना नहीं घटी है एज क्लेम, जैसी दावा की गई है। ठीक है, द प्रोसिक्यूशन मीन्स द अभियोग पक्ष, दैन प्रोड्यूस द मेडिकल रिपोर्ट, उसने मेडिकल रिपोर्ट भी प्रोड्यूस पेश की ऑफ अ गर्ल, लड़की की, एंड द एज सर्टिफिकेट और एज सर्टिफिकेट इशूड बाय द स्कूल, जो स्कूल द्वारा दिया गया था, स्कूल द्वारा इशू किया गया था। इन हर स्टेटमेंट, उस अपने बयान में डॉक्टर शालिनी रंजन ने कहा डैट द वुमेन अलॉन्ग विद हर डॉटर, औरत अपनी लड़की का, अलॉन्ग विद मीन्स होता के साथ में, अपनी लड़की के साथ में केम टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल आई थी टू गेट द गर्ल्स मेडिकल एग्जामिनेशन डन, अपनी लड़की का एग्जामिनेशन जांच करवाने के लिए। ठीक है, द रिपोर्ट इस्टेब्लिश मीन्स होता है पता लगना, डिस्कवर करना। ठीक है, यहाँ पे इस्टेब्लिश का मतलब ये है, तो रिपोर्ट में पता लगा डैट कि द गर्ल वॉज रेप, लड़की का बलात्कार किया गया है, किया गया। द कोर्ट आज द डिफेंस, कोर्ट ने डिफेंस से पूछा जो डिफेंस कर रहे थे। ठीक है, इफ़ द असॉल्ट हैड नॉट अकर्ड, अगर असॉल्ट हुआ ही नहीं है, अगर असॉल्ट मीन्स होता है किसी पे अटैक होना। ठीक है, अगर अटैक हुआ ही नहीं है, घटित नहीं, अकर्ड मीन्स होता टेक प्लेस ये। ठीक है, तो अगर हुआ ही नहीं है, वाई डिड द वुमेन टेक हर डॉटर टू हॉस्पिटल, तो जो लड़की औरत है अपनी लड़की को हॉस्पिटल क्यों लेके गई। इट सीम्स डैट, ऐसा लगता है, प्रतीत होता है दैट अ वुमेन चेंज हर स्टेटमेंट अंडर प्रेशर, तो प्रेशर में या दबाव में आकर जो औरत ने अपने बयान को बदल दिया, चेंज कर दिया। द कोर्ट ने, न्यायालय ने साइटिंग द केस मीन्स होता है हवाला देते हुए, साइटिंग द केस ऑफ ग्रीस खाती, जो ग्रीस खाती है उसके केस का हवाला देते हुए, वर्सेस उत्तराखंड 2013, ठीक है, उसके खिलाफ 2013 के खिलाफ हवाला देते हुए सैड कहा द स्टेटमेंट ऑफ द हॉस्टाइल विटनेस, जो हॉस्टाइल विटनेसेस हैं जिन्होंने अपने बयान को बदल लिया, कैन बी थ्रोन आउट, उनको खारिज किया जा सकता है। ठीक, उनके बयानों को खारिज किया जा सकता है।